देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस चमत्कारिक फल देने वाले मंत्र को स्वयं देवी दुर्गा ने देवताओं को दिया था। लोकहित में कल्याण के लिए देवी ने कभी शक्ति का रूप धारण किया तो कभी ममतामयी माँ के रूप में भक्तों के कष्ट को हरा। देवी माँ कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी है। माँ तो सर्वज्ञानी है, होठों से प्रार्थना के शब्द निकलते भी नहीं और माँ मन की बात सुन लेती हैं। इस सृष्टि की माँ स्वरूपा नारायणी अपनी शरण में आए हुए भक्तों का अवश्य ही कल्याण करती हैं। माँ तो सर्वव्यापी हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी माता की विशेष कृपा है। अयोध्या में माता रानी के अनेक स्थान हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और महत्व भी। उन्हीं स्थानों में एक प्रसिद्ध स्थान है नगर के मध्य में स्थित माँ हट्ठी महारानी का मंदिर। नगर के इस हाट में माँ मानो बड़े थाट से बैठकर लोगों की आवाजाही को निहारती रहती हैं, तो आते जाते भक्त भी उन्हें अपना स्नेह बड़ी श्रद्धा से जताते रहते हैं। माँ हट्ठी महारानी की प्रतिमा बेहद आकर्षक और ममतामयी सी प्रतीत होती है। दक्षिणमुखी, बिना शस्त्र के, सिंह पर आसीन, आशीर्वाद की मुद्रा में माँ की प्रतिमा को देखकर लगता है कि वो सिर्फ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए ही बैठी हैं। हट्ठी महारानी की प्रतिमा दक्षिणमुखी आशीर्वाद मुद्रा में है और जबकि शस्त्र नहीं है। शस्त्र ना और आशीर्वाद मुद्रा में तंत्र विद्या में बहुत कीमती मानी जाती है। तंत्र के लिए सार्थक जगह ये मानी जाती है। यहाँ पे प्रणाम करने वाले को तंत्र विद्या के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। सारे तांत्रिक माँ से अपनी ताकत को इकट्ठा करने लेने आते हैं क्योंकि ना उसके पास शस्त्र है। हट्ठी माता के इस छोटे से मंदिर में जाने कितने भक्तों की अर्जियां समाई हुई हैं जिनका निवारण माँ ने किया भी है। जिस किसी भक्त ने सच्चे मन से माँ के सामने अपनी पीड़ा कह दी फिर माँ का हठ तब तक जब तक उस भक्त के कष्टों का निवारण न कर दें, इसी मान्यता और अनुभव के कारण माँ का नाम हट्ठी महारानी पड़ा। माता के इस मंदिर और प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि पास के ही एक मोहल्ले में पीपल के पेड़ की जड़ से माँ की मूर्ति स्वयं ही प्रकट हुई थी। रानी का जो मंदिर है वो पूरे मतलब जनपद में एक आस्था का केंद्र बन चुका है और उसके बारे में जो हम लोगों को जानकारी अपने बुजुर्गों से मिली, जो लोगों के जानकारी हुई हम लोगों को, उससे ये पता चलता है कि ठठैया मोहल्ले में काफ़ी वर्ष पहले तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक कुम्हार जल देता था और उस जल देते देते वहाँ पे एक दरार दिखने लगी। बाद में माता की मूर्ति वहाँ उसमें से दिखाई देने लगी। फिर जब और दरार बड़ी हुई तो उसमें से मूर्ति लोगों ने निकाला और फिर वही मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में की गई। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह मूर्ति महाभारत काल की है जो करीब 5000 वर्ष पुरानी है। मैहर शक्तिपीठ के महाधिकारी ने माँ की मूर्ति को देखते ही अभिभूत होकर कहा कि माँ के मुकुट पर राम लक्ष्मण और हनुमान जी का प्रतिबिंब अंकित है जिसका संबंध अहिरावण के वध की कथा से है। 60 या 50 का दशक रहा होगा, जैसी कि जनचर्चा भी है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग वालों ने उस मूर्ति का परीक्षण किया था और उस मूर्ति के परीक्षण करने के उपरांत उन्होंने इस मूर्ति को महाभारत काल अर्थात लगभग 5-5.5 हज़ार वर्ष पुरानी बताया। और उसी में जो है कुछ समय बाद जब वहाँ पर मंदिर पर मैहर पीठाधीश्वर जी आए, मैहर के उस समय के तत्कालीन पीठाधीश्वर जब आए
तो उन्होंने भी मतलब यहाँ दर्शन किया माता का, और माता के दर्शन को करके उन्होंने जो उस प्रतिमा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए कि ये तो अहि रावण के वध के समय का प्रतिबिंब दिख रहा है, तो उनको ये दिखाई दिया कि जैसे पहले मूर्ति में अब कुछ खंडित हो गया है, मूर्ति की जो प्रतिमा में मुकुट बना था, प्रतिमा में जो मुकुट हम पहनाते हैं वो अतिरिक्त है, पहले जो प्रतिमा के साथ ही मुकुट बना था तो वो मुकुट ऊपरी हिस्सा एक तरफ का टूट गया, वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की मूर्ति उन्होंने बताया पीठाधीश्वर जी ने, और ये बताया कि ये पाताल लोक की देवी जिनके सामने वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को जो है अहि रावण बलि देने के लिए ले गया था, और हनुमान जी ने जो है प्रकट होकर के उस प्रतिमा के समक्ष इनकी अहि रावण की बलि दी, और भगवान राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर जब वो चलने को उद्यत हुए उस समय का प्रतिबिंब मतलब जो पाताल की देवी थी उनके उसमें अंकित हुआ, और वही प्रतिमा ये बताई जा रही है। यहाँ के नियमित दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की माने तो माता के चेहरे का भाव अक्सर बदलता रहता है। उनका कहना है माँ अपने भावों से भक्तों के कष्टों के निवारण का जैसे आश्वासन देती हैं। सबसे बड़ी बात कि माँ का फेस इम्प्रेशन, जिसको आप चेहरे की भाव भंगिमा कहते हैं, चेहरे का भाव कहते हैं, वो लगभग प्रतिदिन बदलता है, ऐसा लोगों का विश्वास है और लोगों का अपना देखा हुआ अनुभव भी है। मंदिर में भक्त कभी धागा बांधकर अपनी अर्जी लगाते हैं तो अर्जियां पूरी होने पर घंटियां या छत्र भी चढ़ाते हैं। बाजार के व्यापारी और दुकानदार माँ के सामने अपना माथा जरूर टेकते हैं, क्योंकि वे उन्हें एक अभिभावक के रूप में मानते और पूजते हैं। हमने जब से हो संभाला है अपने बड़ों को यहाँ पर पूजनीय माता जी की पूजा करते हुए देखा है। लोगों की कैसी भी मनौती हो वो तुरंत माता जी सुनती हैं। लोग उसके चढ़ावे में कलावा, घंटियाँ और जो भी उनकी मन्नतें रहती हैं सब पूरी करवाती हैं। नवरात्रि के दिनों में माता हट्ठी महारानी के मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विशेष आरती में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और माता रानी के विशेष श्रृंगार के दर्शन के लिए एकत्र होते हैं। भक्तों द्वारा अष्टमी नवमी को मंदिर में भव्य हवन पूजन के साथ साथ कन्या पूजन का भी आयोजन किया जाता है। माँ के भक्तों द्वारा जन सेवा के लिए बनाई गई माँ हट्ठी महारानी सेवा समिति द्वारा समय समय पर विभिन्न सेवा शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। माँ के समान कोई दाता नहीं, माँ और बच्चे का संबंध ऐसा है जहाँ शब्दों की नहीं मौन की भाषा भी समझ ली जाती है। एक बार सच्चे मन से माँ को पुकारो, माँ आपकी हो जाती हैं, क्योंकि भक्ति ही विश्वास का दूसरा नाम है।